और देखो सा पहली में 20 आदमी बुलाए और गौ माता ने निकाली है। अरे गौ माता दो बड़े पछुड़ी है, पूरी हालत है गौ माता री। देखो एन पूरी पूरी कादर में उतर जावे और 20-20 आदमी। अब गौशाला संचालन चाटे में दो तीन आदमी देख देख माते रहे, दो देवासी है तो सेवा देवनाड़ा मेटे अटे उबा पगवर माते हमें गयो गाँव रहा। इन तो या तो इन बंदोबस्त करावे या न कुछ न कुछ करे या जाली तारबंदी करे। ये बापड़ी अनबोल पक्षी है और ये जानवर कहीं है कि नहीं मोहन पानी पीने आवे और ये गायों फंस जावे और बुरी हालत है। वे दो गायों आगे मर गई है और आ देखो सा हकीकत है गौ माता बहुत दुखी है और वो गौशाला एन अट खने नज़दीक है सा। तो मैं सरपंच ने भी बोलिया है कि भाई उन पहली बेहट मा तो लगाओ भाई और खाडा मत कराओ और गौशाला रखने हैं कि रट बच्चों भी आगे मरियड़ो है। तो यह देखो और पूरा एक नाडी तरफ बनगी है और देखो यानी मोहने हमार में 20 आदमी मेहनत कर और गौ माता ने बचाने वास्ते हाथा जोड़ी कर काटी बहुत दूरी काटी सा जो कि गौ माता बहुत दुखी होती। 2-2.5 घंटों पग पूरा चारों पग उनका देर मोह हाँ। तो समस्या बहुत भारी है तो आप गांव रा से मिलकर सेव कर अन्य किन की बंदोबस्त करे और कहीं है दर दर होगी पीली हेड़ी है जो कि हजी अब आप टोकड़ियों जो को बहुत दुखी है। इन्हें मोह में चारों पग मोह घुस गया है और गांव रोने में हमें ड्यूटी सोचना भी कर दिया हूँ जो को गाँव रा कह के भाई तो गौशाला की गायों हैं गौशाला कहीं कार्यो सा मैं गौशाला तो देख रेख राखनी पर हरे है बिजी है सा गाँव री गायों हैं। तो ये बापड़ी अटे एक तो मर गयो ने खाडे रे मोह और बूढ़ी ठाडी गौ माता जो बहुत दुखी है और इन्हें कोई कार्रवाई या इन्हें कोई बंदोबस्त करावे प्रशासक करावे और मारो लाइए देख और आगे शेर भी कर दियो वो करनी गौशाला और लाइए है और अब करनी गौशाला पेज बात है। और आपने कहीं बताऊँ कि बहुत दुखी हूँ सा इन्हें कारण तो आप जरूर थोड़ी हेल्प लाइन जरूर भेज और कार्रवाई की जावे। हाँ देखो सेवा पब्लिक तो सेवा दे रही है गौ माता वास्ते दानदाता बहुत है और आ दानदाता देखो आज आ समस्या है तो मैं वो तो नज़दीक जान बताऊँ और नौ दियो चारों पग गया प्रमो एन गाय मार फसुड़ होती चारों पग दर दर वो बल्ले अटेज मौत आवे रात मर हमें हजियो रह जावे तो मरना पड़े सा। और आ गौ माता हाथ है माँ बेटो दोई है हम गाय उबारे नहीं निकली जाए आड़ी पीली है तो आ समस्या बहुत भयंकर बहुत दुखी है। तो आपने कहीं बताऊं बहुत संकट में हो दया भाव मूल है कही है धर्म रिजड़ हरी है तो गौ माता वास्ते आप छोड़ो सेव कर कुछ कुछ हल निकाल और कुछ माने अवसर कराओ और बीजो सब देखो आशा और समस्या है। जय श्री राम जय गौ माता। तो कहीं बताऊँ आपने बहुत परेशान हो ठीक हुकम आ देखो सा वो दर दर बहुत एक नहीं तो कोई तलाई टाइप है नहीं कोई बात है आप रिमोट निकाल ली आप मजदूरी कर ली हुआ तो ठेकेदारों लोगों ने और आप गाड़ियों बरबर ले गया है और आपने तो आगे बताऊँ अड़ा दरड़ा कर प्रा छोड़ दिया। तो इन्हें मैं हाथ जोड़ियों मैंने तो कह गौ सवारी रसीद कटा दे पूछर कटा दे यूँ कर कर लोग गाँव रहा साथ देर गाँव रिमोट गाँव में निकाली गए अब रोडो बनाने वास्ते उम्र तो सुविधा बन गई अरे गौ माता हर से आटे दुख पावे वो है जो को आपने वीडियो बताऊँ अब न तो इनमें पूरे जो हैं नहीं कोई बात है और खड पड़िया है देखो है पूरा एक तरह को मिनक मरे जरा खड़ा है गाय मरे मिनक मरे एड़ी अच्छा इनू कहीं है दूर दूर ना देखो दरारो पड़ी उड़ी है नज़दीक तो ये देखो दर दर होगी है और जमीन अटे कहीं है कि खाडा पड़े और वो पानी परेशान करे बहुत और ये देखो सा बहुत दुखी हूँ। तो इन कोई इलाज आप लोगों खाने वे तो बताओ ज़रूर बहुत खड़ा है गहरा गहरा खड़ा करुड़ा है
डेली चार पांच गायों निकालनी, बहुत परेशानी आ रही है। जय श्री राम, जय गो माता। उधर उधर खड़ा है तो आप देख रहे हो, और सब सब गो माफिया आप रो वो मुद्दे वास्ते मजदूरी करने वास्ते वहाँ आप रो सीधो कर आप रो काम निकाल लियो, और गौ माता मर रही है। जय श्री राम, जय गौ माता। और आगे भी शेयर भी कर दियो कि एडी हरड़ी में एक नौपुत है तो उनमें आप देखो एडी एडी दरारों पड़ी है जो को मेहनत भी मर सके। कम से कम 40 फुट ऊंडो है, अरे टोकड़िया है गौ माता एट फंस जाओ खडर मोने आदमी बेवनो बहुत मुश्किल हो गयो। देखो गौ माता फंस गई है, एक गौ माता है एक उन्होंने बचड़ो है तो आप देख लो। जय श्री राम, जय गौ माता।